ये पानी में, और ये सब लोग खड़े हैं। यहाँ बहुत गढ़वा है यहाँ पास, एकदम गाड़ी का आधा सौ डूब गया था। देखिए उनको उतरने कितना ज़्यादा पानी, उनके घुटकों तक पानी है एकदम। और हाय ये फ्रेंड्स, देखिए स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी खाली हो गई और हम गेट के बाहर आ गए हैं। रोड पे गाड़ियां लगा दिए हैं। अब जाएंगे यहाँ से विशाखापट्टनम। कटंकापाली में माल हमारा खाली हो गया कोयला, अब जाएंगे विशाखापट्टनम कोयला लोडिंग करने, जो कि देख सकते हैं एक लाइन से पूरा गाड़ियाँ खड़ा है हमारे कंपनी का, और हम भी यहाँ पे बैठे हैं। और आज एक स्टिक लिए हैं वीडियो बनाने वाला, वही से वीडियो बना रहे हैं। देखिए कैसा दिख रहा है नज़ारा, एकदम ऊपर से भी शो ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं वीडियो का। तो दोस्तों हम चल दिए हैं, देख सकते हैं। और अपन को विशाखापट्टनम चलना है कि देखिए गाड़ी के पीछे पीछे हम लगे हैं, फर्स्ट बार जाएँ तो हमको पता भी नहीं है किधर किधर से रोड कटा है। तो चलिए वो गाड़ी के पीछे लगे हैं, जो पहुँचा देगा जहाँ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कांटा के पास आ गए हैं, और यहाँ पूरा गाड़ी कांटा करा के खड़ा है। और भैया भी बात कर रहे हैं, देख सकते हैं पूरे अपने कंपनी का 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ हैं टोटल। पूरा गाड़ी कांटा करा के खड़ा है। अब यहाँ से समुद्र 1.5 किलोमीटर है इधर, जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये ब्रिज है, इसी ब्रिज से हम नीचे उतर के आए हैं घूम के, मतलब 1.5 किलोमीटर घूम के आए हैं, यहाँ पास खड़े हैं। तो यहीं पे सब गाड़ियाँ कांटा करा के खड़ा है, फिर जाएंगे लोडिंग में बताएगा। तो देख सकते हैं कैसा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। तो ये अपने गाड़ी का एक हेल्पर है, बगल वाली गाड़ी का, तो ही आया है, बोला हम भी वीडियो वहाँ से आ सकते हैं, बोले आ जाओ वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोयला लोडिंग हो जाए तब तक, फिर मिलते हैं आपसे आगे। चलिए हमारा वीडियो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए करिए। और अपना गाड़ी ये खड़ा है, सभी लोग खड़े हैं, आज लोडिंग नहीं हुआ, सब लोग बैठे हैं। कोयला ये है विशाखापट्टनम सी फोर्ट, देख सकते हैं समुद्र किनारा है फुल, और हम यहाँ पास खड़े हैं अभी, चना साहब के बैठे हैं, फिर जाएंगे लोडिंग में। गाड़ी भैया का फंस गया है तो वही खड़ी है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा कैसे सुबह सुबह का है, देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है इधर। हाय फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पानी इतना भरा है यहाँ पास, देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा है। भैया की गाड़ी अभी हमारी फंस गई थी, जेसीबी से डोसे हैं वो बहुत ज़्यादा फंस गई थी यहाँ पास, बहुत गड्ढा है, हम भी खूब डूब जाएंगे, इतना पानी है, पूरा आधा सौ डूब गया था। अभी ये जेसीबी डोसे ही निकाली है तो पीछे गई है गाड़ी, तो थोड़ा स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत बुरा फंस गई है। हाँ ये देखिए क्या कर रहे हैं साले, ये देखो छुट्टा मार रहे हैं। हाँ क्यों नहीं खाओगे, अच्छा रहेगा, देता ये पानी में। और ये सब लोग खड़े हैं, यहाँ बहुत गढ़वा है यहाँ पास, एकदम गाड़ी का आधा सौ डूब गया था। देखिए उनको उतरने कितना ज़्यादा पानी, उनके घुटकों तक पानी है एकदम। और ये देख सकते हैं वो गाड़ी खड़ी है, उनका भी खड़ी हो गई है प्रमोट का। ये हैं सी पोर्ट में, जो कि यहाँ इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग कल कितने बजे से, कल सुबह खाना खाए थे 10 बजे, 10 बजे से भाई अब खाना नहीं मिला, अभी भाई खाना नहीं मिला, हमको मिल दोनों लोगों को, किसी को यहाँ पानी ही नहीं है, पानी भी नहीं मिला, इतना प्रॉब्लम है। तो यहाँ से इधर देखिए आप, यहाँ से 2-3 किलोमीटर जो बिल्डिंग दिख रही है, उधर मैं गया था पानी लेने, वहाँ से पानी लेके आया दोनों लोग और पिया हूँ थोड़ा बहुत, पानी भी नहीं मिल रहा इधर, बहुत प्रॉब्लम है सी पोर्ट। पांच वाली बिस्किट 10 रुपए में दे रहे हैं, बहुत महंगा रेट है यहाँ कि भैया आप क्या बताएं, पैसा भी चुक गया आज 2 हफ्ते से खड़े हैं गाइस, बहुत 2 हफ्ते खड़े हैं, देख सकते हैं बोला है लोड हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, बाकी सब हो गए। अब यहाँ से निकलूंगा 12 बजे रात, 12 बजे रात यहाँ से निकलेगा तो खाना पीना जाएंगे तो राशन लेंगे बनाएंगे, अभी तो कोई मुश्किल है 12 बजे रात तक खाना पीना मिलना, यही है लाइफ, देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर लाइफ, इंडियन ट्रक ड्राइवर लाइफ। देखिए ये है सी पोर्ट का कोयला, और ये है आयरन है इधर स्टॉक है सी पोर्ट विशाखापट्टनम। इधर जो ये पहाड़ दिख रहा है उधर से 1.5 किलोमीटर बाद इधर समुद्र है, यहाँ बहुत दूर नहीं है, पूरा अपने कंपनी का गाड़ी खड़ा है यहाँ पास, यस का 10 गाड़ियाँ हैं। और ये कोयला है इंडोनेशिया का कोयला आया है यहाँ पास स्टॉक, ये जो जिसमें दिख रहा है आपको इंडोनेशिया का कोयला है यहाँ पास दिख रहा है, देख सकते हैं यही सब है, देखिए थैंक यू। तो दोस्तों हम चल दिए हैं देख सकते हैं, और ये हम विशाखापट्टनम से मार्केट निकल रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक मार्केट, बहुत जाम लगता है यार, यहाँ 2 बजे रात निकल रहे हैं, देखिए कितना अच्छा, 2 बजे रात भी थोड़ा बहुत सुनसान नहीं है, गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं, एक ट्रक के पीछे हम फर्स्ट बार आए हैं। तो हम चल के 70 किलोमीटर गाड़ी चला के श्रीकाकुलम पहुँच गए हैं, और चाय पीने के लिए खड़े थे, चाय ही नहीं मिली तो गाड़ी का टायर सब ठंडवा रहे हैं, यहाँ से सिंगल रास्ता है तो उतरेंगे, तो देख सकते हैं सिंगल रास्ता है, बाकी नज़ारा अच्छा है, दिन हो गया, सुबह हो गई, बहुत अच्छा नज़ारा है यार यहाँ का, मस्त मौसम है खुला खुला। हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये खरियार रोड के आगे का नज़ारा है, बहुत अच्छा पहाड़ी इलाका है यार, मैं तो फर्स्ट बार इस रोड पे आ रहा हूँ,
बाकी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, दोनों तरफ से पहाड़ है, बाकी हल्का उतराई भी है, मस्त न्यूट्रल पे गाड़ी चलती है, हल्का हल्का उतराई भी है, चढ़ाई भी है। देखिए कितना अच्छा मौसम नज़ारा दिख रहा है, हल्का हल्का पानी भी गिर रही है और हम चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं।